कंपाइलेशन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सोर्स इंस्ट्रक्शंस है एंड टारगेट इंस्ट्रक्शंस है। वास्तव में अगर मुझे कंपाइलर बनाना है तो मुझे किसी तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है। वो तीसरी चीज क्या है वो एक छोटे से क्वेश्चन से समझेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है, ईएक्सी क्या है? व्हाट इज ईएक्सी? एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि उसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है, सिर्फ एक्सटेंशन है या उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज है? एक्सटेंशन है। पीडीएफ क्या है? वो भी एक एक्सटेंशन है। एमपी3 क्या है? वो फॉर्मेट। अगर MP3 फॉर्मेट है, PDF भी फॉर्मेट है, EXE भी फॉर्मेट है, जो चीजें होती हैं और जो आप समझते हैं वो उनमें बहुत फर्क होता है। आपको लगता है EXE सिर्फ एक एक्सटेंशन है, PDF सिर्फ एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। EXE एक फाइल फॉर्मेट है, PDF एक फाइल फॉर्मेट है। अब सवाल आता है फाइल फॉर्मेट की जरूरत क्या होती है? अगर मैं एक ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ओएस की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनमें से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्राम फाइल्स को एग्जीक्यूट कराना। सभी तरह की फाइल्स को ओएस मैनेज करता है। दो तरह की फाइल्स हो सकती है, प्रोग्राम फाइल, नॉन प्रोग्राम फाइल्स। एक ओएस को कैसे पता चलेगा कि ये एक प्रोग्राम फाइल है और ये एक नॉन प्रोग्राम फाइल है? एक तरीका तो है एक्सटेंशन बना दो प्रोग्राम फाइल के लिए। मान लीजिए हमने एक्सटेंशन रख दिया ईएक्सई, नॉन प्रोग्राम फाइल के साथ हमने वो एक्सटेंशन नहीं रखा, क्या होगा? अब आप जैसे लोग एक फाइल बनाएंगे उसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे, एक्सटेंशन रख देंगे ईएक्सई और फिर वो ऐसे कहेंगे एग्जीक्यूट करो, क्या कर देगा? आज घर पे जाके छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, नोटपैड में कोई फाइल बनाइएगा उसमें कुछ भी लिखिएगा, ईएक्सई एक्सटेंशन देके सेव करिएगा, फिर एग्जीक्यूट करके देखिएगा क्या एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। एक्सटेंशन तो ईएक्सई है, होना चाहिए। ऐसी एक फाइल बनाओ उसका एक्सटेंशन पीडीएफ दो, क्या एक्रोबैट रीडर से ओपन करेगा? नहीं करेगा। एक्सटेंशन तो पीडीएफ है, करना चाहिए। अब आपको समझ आएगा धीरे धीरे, वास्तव में वो फॉर्मेट है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो उस सॉफ्टवेयर के लिए पहले कोई फाइल फॉर्मेट बनाती है, ताकि वो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में फाइल्स को रीड कर सके, मैनिपुलेट कर सके, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में फाइल जनरेट कर सके। हर एक ओएस के पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का अपना एक फॉर्मेट होता है, वो उस फॉर्मेट में ही फाइल को रीड करता है, उस फॉर्मेट में बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस कहां होंगी, डेटा की इंफॉर्मेशन कहां होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां होगी, चेकसम कहां होगा, कैसे पता चलेगा कि ये सही फाइल है कि करप्टेड फाइल है। उस सारी चीज के लिए फॉर्मेट की जरूरत होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के लिए क्या फॉर्मेट बना के रखा हुआ है? ईएक्सई। अब अगर मुझे कंपाइलर बनाना है किसी भी लैंग्वेज के लिए तो मुझे कितनी चीज पता होनी चाहिए? एक कंपाइलर बनाने के लिए तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सोर्स इंस्ट्रक्शंस है, हमें किस चीज को कन्वर्ट करना है। दूसरा टारगेट इंस्ट्रक्शंस है, किसमें कन्वर्ट करना है। तीसरा फाइल फॉर्मेट, कन्वर्ट करके किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फाइल जनरेट करनी है। जावा से पहले, अब यहां से अब आपको डिपेंडेंसी समझ में आनी शुरू होगी। जावा से पहले ये जो फाइल फॉर्मेट है और जो टारगेट इंस्ट्रक्शन सेट है वो ओएस से मिलता था, यानी कि किसी ओएस को ध्यान में रख के कंपाइलेशन होती थी, इसलिए कंपाइल कोड ओएस पे डिपेंड करता था। एक डायग्राम से समझते हैं, पहली डिपेंडेंसी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको। जब हमने पोर्टेबिलिटी का एग्जाम्पल लिया था, मैंने सी के प्रोग्राम को डोस, यूनिक्स और विंडोज एनवायरमेंट में कैसे कंपाइल होता है ये आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैंने यहां पर रिज्यूम किया कि मेरे पास सी का कोई सोर्स कोड है, उसे मुझे वीसी प्लस प्लस कंपाइलर से कंपाइल करना है। अब ये जो कंपाइलर है कितनी चीज जानता होगा? ये सी के इंस्ट्रक्शन जानता होगा, किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया ये कंपाइलर, विंडोज, ये विंडोज के फंक्शंस भी जानता होगा और
ये विंडोज का एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट भी जानता होगा। जब हम इस कंपाइलर से इसी के प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो देखिए क्या करता है। ये कंपाइलर सी की इंस्ट्रक्शंस को विंडोज की फंक्शन कॉल में ट्रांसलेट कर देता है और ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शंस को ईएक्सई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक फाइल में रख देता है। अब इस फॉर्मेट को कौन पहचानेगा? विंडोज। इन इंस्ट्रक्शंस को कौन पहचानेगा? विंडोज। यही कारण है कि जब आप विंडोज की ईएक्सई फाइल किसी दूसरे ओएस पे ले जाते हैं, लेट्स से मैं उसे यूनिक्स पे लेके जाऊं, वो नहीं चलती, क्योंकि यूनिक्स ना तो इस फॉर्मेट को पहचानता ना ही इंस्ट्रक्शंस को पहचानता है। अगर मैं यहां पर वीसी प्लस प्लस कंपाइलर की जगह सीसी या जीसीसी कंपाइलर यूज करता हूं, क्या करता? वो सी की इंस्ट्रक्शंस को यूनिक्स के फंक्शन कॉल में कन्वर्ट करता और यूनिक्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक फाइल में रख देता। अब उस फॉर्मेट को केवल कौन पहचानता? यूनिक्स। उन फंक्शंस को कौन पहचानता? यूनिक्स। यानी कि वो फाइल केवल कहां एग्जीक्यूट होती? यूनिक्स पे। समझ आ रहा है? ऐसी कंपाइलेशन को जिसे हमने ओएस को ध्यान में रख के किया है, क्या कहेंगे हम? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कंपाइलेशन? ये है पहली डिपेंडेंसी। जब हम अपने सी के प्रोग्राम या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम कंपाइल करते थे, ओएस को ध्यान में रख के कंपाइल करते थे, मैंने आपको कहा था किसी एक लैंग्वेज की किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तीन डिपेंडेंसी हो सकती है। पहली डिपेंडेंसी थी डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन। उस डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन का मतलब है डिपेंडेंसी ऑन द इंस्ट्रक्शंस है एंड फाइल फॉर्मेट। ये दोनों चीज ओएस से मिलती थी। सर माइक्रो सिस्टम को बता था उसे प्रोग्राम एक अननोन प्लेटफॉर्म पे चलाना है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म की इंस्ट्रक्शन और किसी भी प्लेटफॉर्म का फाइल फॉर्मेट यूज नहीं कर सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया वो समझते हैं। सन माइक्रो सिस्टम ने जब जावा बनाए, अब लैंग्वेज बनाना बड़ा आसान है, आप भी बना सकते हैं। लैंग्वेज बनाने का होता है आप एक इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन कर लीजिए, डेटा टाइप मान लीजिए कि मेरी लैंग्वेज में ये डेटा टाइप होंगे, ये इंस्ट्रक्शंस होंगी। समस्या उसके आगे से शुरू होती है। मैंने लैंग्वेज तो बना ली, अब मैं अगर उसमें प्रोग्राम बनाना चाहता हूं तो मुझे फिर उस प्रोग्राम को कंपाइल भी करना आना चाहिए, उसे एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए। अब कंपाइल कब होगा? जब मेरे पास कंपाइलर होगा। कंपाइलर बनाने के लिए मुझे अपनी लैंग्वेज के साथ साथ एक फाइल फॉर्मेट चाहिए, मुझे एक दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट चाहिए। जावा से पहले ये दोनों चीजें कहां से चल रही थी? ओएस से। क्या जावा के केस में ये ओएस से ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा प्रोग्राम किस ओएस पे चलने वाला है। अब देखिए सन माइक्रो सिस्टम ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। आपने बचपन में मैथमेटिक्स में बहुत सारी थ्योरम प्रूव की होगी। हर एक थ्योरम आप कैसे प्रूव करते थे, कैसे स्टार्ट करते थे? लेट ए बी दिस, कोई अजम्पशन मान लेते थे कि ये ऐसा है, एंड देन उसके बेस पे पूरी थ्योरम प्रूव कर देते थे। सन माइक्रो सिस्टम ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने अज्यूम किया कि उनके पास एक प्रोसेसर है। अगर मैं अज्यूम कर लूं मेरे पास एक प्रोसेसर है, तो मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूं कि वो प्रोसेसर ये इंस्ट्रक्शंस पहचानता है, यानी कि उस प्रोसेसर के पास इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं। यस या नो? कर सकता हूं। मैं फिर आगे की चीज भी अज्यूम कर सकता हूं। मैं अज्यूम कर सकता हूं कि जो मेरा प्रोसेसर है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस रीड करता है। अब ये सारी चीज सन माइक्रो सिस्टम ने अज्यूम कैसे की वो देखते हैं। सन माइक्रो सिस्टम ने एक चीज बनाई जिसका नाम आप जानते हैं लेकिन जिसे आप समझते नहीं। JVM। सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, हर आदमी ये टर्म समझता जानता है। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए JVM क्या है, क्या आंसर देंगे? इंटरप्रेटर है, जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और
कंपाइल करता है। यहां जो इसके नाम में वर्चुअल है उसका मीनिंग क्या है? काल्पनिक। वर्चुअल का मतलब होता है विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब जिसके नाम में ही वर्चुअल लगा हो क्या वो आपके लिए कुछ कर सकता है? वास्तव में जेवीएम जैसी चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप लोगों को बड़ा शोक लगेगा, यहां पर जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन का नाम है, एक स्पेसिफिकेशन का नाम है, जेवीएम कागज पे लिखी हुई एक चीज है। आप ऐसे मानिए जैसे आपको एक मकान बनाना है, पहले आप क्या बनाएंगे? मकान का मैप बनाएंगे। जेवीएम मकान का मैप है, मकान नहीं है वो।